दोस्तों, टेलीविजन इंडस्ट्री के दो खूबसूरत अदाकार आए हैं, कृतिका सेंगर और निमृत कौर आहलूवालिया, जो कि अपने अलग अलग किरदार के साथ आज टीवी की जानी मानी अभिनेत्रियां बन चुकी हैं। जहां निमृत कौर आहलूवालिया ने छोटी सरदारनी में मेहर का किरदार पेश किया था और साथ ही दर्शकों से खूब सारी सुर्खियां भी बटोरी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कृतिका सेंगर ने भी टीवी के कई और सीरियल्स में मुख्य भूमिका निभाते हुए दर्शकों का भरपूर प्यार हासिल किया है। लेकिन दोस्तों, यूं तो ये दोनों ही अभिनेत्री खूबसूरत अदाकाराएं टीवी इंडस्ट्री के पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक गिनी जाती हैं। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि इन दोनों ही अभिनेत्रियों में से कौन सी अभिनेत्री सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और किसने अपनी कमाई के जरिए अमीरी के मामले में तोड़ दिया है एक दूसरे का रिकॉर्ड? आज की इस वीडियो में हम आपको इन दोनों अभिनेत्रियों की अमीरी और फैन फॉलोइंग से कंपैरिजन करके इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो फिर रेडी हो जाइए जानने के लिए। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप इन दोनों ही खूबसूरत अभिनेत्रियों के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुरुआत कर लेते हैं आपकी चहेती अभिनेत्री कृतिका सेंगर से, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2007 में आई सीरियल कसौटी जिंदगी की साथ की थी, जिसमें इन्होंने प्रेरणा का किरदार पर्दे पर पेश किया था और आगे चलकर सभी की पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक बनी, जिसके चलते ये अपने हर एक सीरियल का 50,000 रुपये चार्ज करती है। और इसी तरह इन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत पूरे 7 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बना ली है, जिनमें इनका मुंबई के अंधेरी में बना आलिशान फ्लैट शामिल है, जो कि करीब 2 करोड़ रुपए का है, जिसमें गार्डन से लेकर बालकनी हर एक चीज़ देखने को मिलती है, जो कि इस घर को काफ़ी ज़्यादा आलिशान और बिल्कुल परफेक्ट बनाती है। अब जब ये इतने करोड़ रुपए की मालकिन है, तो उसी हिसाब से ये काफ़ी लग्जीरियस लाइफस्टाइल भी जीती हैं। शुरुआत कर लेते हैं इनके कपड़ों से, तो आपने बता दें कि अपने रियल लाइफ में ये मॉडर्न से लेकर एथनिक ड्रेसेस कैरी करती नजर आती हैं, इसलिए इनके पास ड्रेसेस का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, जिसमें ग्लैमरस गाउन, लहंगा, सूट सलवार और शॉर्ट ड्रेसेस सभी कुछ शामिल है, जिनकी कीमत तक करीब 50,000 से 70,000 रुपए तक होती है। इन ड्रेसेस के साथ साथ इनके पास मैचिंग शूज और सैंडल्स का भी काफ़ी अच्छा और बड़ा कलेक्शन है, जिनमें 30,000 वाली गुची से लेकर स्नीकर्स और साथ ही 45,000 वाली नाइन वेस्ट वाली ब्रांडेड हील्स भी शामिल हैं। कपड़ों और शूज़ के साथ साथ इनके पास ब्रांडेड हैंडबैग्स का भी बहुत अच्छा कलेक्शन है। अब अंत में बात कर लेते हैं इनके कार कलेक्शन की, तो इनके पास टोयोटा और महिंद्रा जैसे ब्रांड्स की गाड़ियां शामिल हैं। बात करें इनकी पॉपुलैरिटी की, तो बता दें कि कृतिका सेंगर ने अपने इंस्टाग्राम पर करीब 1.2 मिलियन फॉलोअर्स के फैमिली बना ली है। अब बात कर लेते हैं अभिनेत्री निमृत कौर आहलूवालिया की लाइफस्टाइल और प्रॉपर्टी के बारे में, तो बता दें कि निमृत कौर आहलूवालिया सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक मॉडल भी हैं, थिएटर आर्टिस्ट भी हैं और साथ ही एक लॉयर भी हैं, जिन्होंने अपने इसी प्रोफेशन के जरिए आज करीब 4 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। जहाँ इन्होंने कुछ समय पहले ही अपने खूबसूरत आलिशान घर खरीदा है, जिसमें खूबसूरती के साथ साथ हर एक वो फैसिलिटी देखने को मिलती है, जो कि इस घर को बिल्कुल परफेक्ट बनाती है। वही क्योंकि ये एक एक्ट्रेस हैं, इसीलिए इन्हें अपनी पर्सनालिटी पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और अपनी पर्सनालिटी को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन भी करना पड़ता है, जिसके चलते इनके वॉर्डरोब कलेक्शन में आपको काफ़ी लग्जीरियस ब्रांड्स की ड्रेसेस देखने को मिल जाएंगी, जिनमें जहाँ इनकी एक ड्रेस की कीमत 20,000 से 25,000 रुपये तो यूँ ही क्रॉस कर जाती है, वहीं ड्रेसेस के साथ साथ ये फुटवेयर पर भी 10,000 से 15,000 रुपये आराम से खर्च करती हैं। और करें भी क्यों ना दोस्तों, इनमें जॉर्डन और लुई विटॉन जैसे ब्रांड जो शामिल होते हैं। कपड़ों और फुटवेयर के साथ साथ ही अपने हैंडबैग, मेकअप और ज्वेलरी पर भी पानी की तरह पैसा बहाती हैं। अंत में अब बात कर लेते हैं इनके कार कलेक्शन के बारे में, तो बता दें कि निमृत कौर आहलूवालिया के पास ह्यूंडई क्रेटा और एमजी हेक्टर जैसी लग्जरियस गाड़ियां शामिल हैं। इसी के साथ बात की जाए इनकी पॉपुलैरिटी के बारे में, तो आपको बता दें दोस्तों कि निमृत कौर के अपने इंस्टाग्राम पर 3,60,000 फॉलोअर्स हैं, जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन बस बढ़ती ही जा रही है। बल दोस्तों, जैसे कि आप इस कंपैरिजन से साफ साफ पता तो लगा ही सकते हैं कि पॉपुलैरिटी और अमीरी के मामले में कृतिका सेंगर निमृत कौर से 4 कदम आगे ही निकलती हैं और दे देती हैं उन्हें हर एक मामले में मात। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इन दोनों अभिनेत्रियों में से कौन सी सबसे ज़्यादा बेस्ट और परफेक्ट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपनी राय और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।